दीजिए। सारा सारा मामला ऑनलाइन चल रहा, वो ग्राहक सेवा केंद्र से फोन आया, उसने फोन रिसीव किया तो उधर से आवाज आई, भाई साहब मैं ग्राहक सेवा केंद्र से बोल रहा, कुछ खरीदना हो तो बताइए, अगर लकड़ी खरीदना हो तो एक दबाइए, लोहा खरीदना हो दो दबाइए, मिठाई खरीदना हो तीन दबाइए। अब उसने तीन वाला बटन दबा दिया, ऑनलाइन मामला था, तीन वाला बटन दबा दिया, फिर पलट के फोन आया, बर्फी खरीदना हो तो एक दबाइए, जलेबी खरीदना हो दो दबाइए, लड्डू खरीदना हो तीन दबाइए, उसने तीन वाला बटन दबा दिया, फिर पलट के फोन आया, एक किलो खरीदना हो तो एक दबाइए, 10 किलो खरीदना हो दो दबाइए, 50 किलो खरीदना हो तीन दबाइए। अब उसने तीन वाला बटन दबा दिया, फिर पलट के फोन आया, भाई साहब आपके 50 किलो लड्डू के ऑर्डर हो गए हैं। अब वो बड़ी तेज झल्लाया, बोला फिरोज भाई भी नहीं है, पैसे कौन देगा, बड़ी जोर झल्लाया। उसने कहा भाई साहब हमने कोई फोन नहीं किया, कोई ऑर्डर नहीं किया। उधर से फिर फोन आया, नहीं भाई साहब आपने ऑर्डर किया। इधर वाला बड़ा होशियार था, उसका जवाब अगर आपको आनंद दे तो ठहाके लगाना, आनंद लेना। उसने कहा भाई साहब हम हैं 9 भाई, अगर बड़े भाई से बात करना हो तो एक दबाइए। तो बढ़िया, अगर शायर को सुनना हो तो जोरदार ताली बजाइए या फिर बैठ के एक दबाइए। बड़े मन से बार बार यह मुशायरा हमें बनाना पड़ रहा है, और बीच बीच में जब सम्मान का क्रम कूद जाता है तो आपका भी सम्मान उसी में निपट जाता है। आइए, मैं चाहता हूँ मालेगांव महाराष्ट्र से हमारे बीच में पधारे भाई सुहेल आजाद साहब, जो देश के बड़े रचनाकार है, बड़े शायर है, बड़े मन से बड़े प्यार के साथ सुने जाते हैं। मैं चार पंक्तियां अगर उनके सम्मान में पढ़ूं तो अंतिम पंक्ति में जोरदार तालियों का महोत्सव तब तक करिएगा जब तक सुहेल आजाद साहब माइक पर आए। मुझे किसी बड़े रचनाकार की चार पंक्तियां याद आती हैं कि तीर रखता कमान रखता है, तीर रखता कमान रखता है, शायरी की जुबान रखता है, और हम तो रहते हैं हिंदुस्तान में लेकिन वो अपने दिल में हिंदुस्तान रखता है। बार जोरदार तालियों से माइक पे आमंत्रित करें भाई सुहेल आजाद मालेगांव माइक। अस्सलाम वालेकुम मौजूद, सबसे पहले मैं विकास बौकल साहब को सलाम अर्ज करता हूँ, बड़ी प्यारी निजामत से आप लोगों को नवाज रहे हैं। यहाँ मौजूद मेरी माँ और बहनें भी बैठी हैं। चार मिसरों से मैं अपने शहरी सफर का आगाज करता हूँ। यहाँ मौजूद हर शख्स के लिए एक दुआ करता हूँ, अगर आप लोगों की बात हो तो मेरे साथ शरीक हो जाएं। चार मिसरों से शुरू करता हूँ, समाप्त करूँगा। या अल्लाह ज़ालिम इंसान बना दे, या अल्लाह भाई बाबा, या अल्लाह इंसान बना दे, या अल्लाह मेरी अलग पहचान बना दे, या अल्लाह मेरी अलग पहचान बना दे, या अल्लाह फिल्मी हीरो के जो आशिक हैं उनको, फिल्मी हीरो के जो आशिक हैं उनको उमर अली उस्मान बना दे, या अल्लाह उमर अली। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा भाई, दोबारा पढ़िए। लेकिन सोहेल भाई इतनी अच्छी शायरी पे, इतने अच्छे जो है पंक्तियों पे आपकी तालियां बहुत कमजोर है। दोबारा मैं तब पढ़वाऊंगा जब पूरे सदन की जोरदार तालियां एक बार आएगी। सोहेल भाई दोबारा बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा, बस इसी तरीके से आप मेरा साथ दे, आप तक पहुंचने की कोशिश करता हूं। पेश करता हूं स्वतंत्र मैं। या अल्लाह इंसान बना दे, या अल्लाह मेरी अलग पहचान बना दे, या अल्लाह फिल्मी हीरो के जो आशिक हैं सबको उमर 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 अली उस्मान बना दे, या अल्लाह या अल्लाह उमर अली उस्मान बना दे, या अल्लाह। चार मिसरे और आप तक पहुंचने की कोशिश करता हूं, देखना विकास भाई चार मिसरे। या अल्लाह ना बने कोई तो तुम पतवार बनो,
ना बने कोई तो तुम पतवार बनो, जिसकी लोग मिसाल दे वो किरदार बनो, जिसकी लोग मिसाल दे वो किरदार बनो। बेशर्मी का जीना भी कोई जीना है, बेशर्मी का जीना भी कोई जीना है। रूखी सूखी खाओ मगर खुददार बनो, रूखी सूखी खाओ मगर खुददार बनो। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं भाई अकमल बलरामपुरी को, एजाज मोहम्मदी साहब को, जफर मोहम्मदी साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि इतने बेहतरीन सामने से मुलाकात करवाई। अभी यहाँ अली खान साहब बैठे थे, एक चार मिसरे पढ़ता हूँ अकमल भाई, चार मिसरे पढ़ता हूँ, और अगर आप लोगों की बातें मैं कहता हूँ तो हर शख्स की दुआएं चाहता हूँ, पेश करता हूँ। देखिएगा विकास भाई, हमारी राह में जब मौत का तूफान आएगा, हमारी राह में जब मौत का तूफान आएगा, हमारी राह में जब मौत का तूफान आएगा, हमारे काम आएगा तो बस ईमान आएगा। बहुत शुक्रिया। चौथे मिसरे पे इंशाल्लाह हर शख्स की दुआएं मिलेगी, पेश करता हूँ समाज फरमाए। हमारी राह में जब मौत का तूफान आएगा, हमारे काम आएगा तो बस ईमान आएगा। हमारी कब्र में हमको ही देना है हिसाब अपना, हमारी कब्र में हमको ही देना है हिसाब अपना। न शाहरुख खान आएगा न तो सलमान आएगा, न शाहरुख। क्या कहने सोहेल भाई, वाह वाह वाह, न तो सलमान आएगा। एक चार मिसरे और पेश करता हूँ, पेश करता हूँ, देखना जरा, पेश करता हूँ। सलमान गिरी है उसके घर की छत, गिरी है उसके घर की छत, फकत दीवार बाकी है। बहुत अच्छे भाई, वाह वाह। गिरी है उसके घर की छत, फकत दीवार बाकी है। तकब्बुर और घमंड उसमें अभी भी यार बाकी है, तकब्बुर और घमंड उसमें अभी भी यार बाकी है। अभी इतराल बल खा ले खुशी के गीत गा ले तो, अभी इतराल बल खा ले खुशी के गीत गा ले तो, मगर ये याद भी रखना खुदा की मार बाकी है, मगर ये याद भी रखना। बहुत अच्छे सोहेल भाई, वाह वाह, मार बाकी है। एक मतला एक शेर और पढ़ता हूँ, समाप्त फरमाए, पेश करता हूँ समाप्त फरमाए। हाँ, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है अभी मोहन साहब भी पढ़ रहे थे तो इश्किया शायरी अब तक पढ़ रहे थे, मगर मेरी माँ और बहने भी यहाँ बैठी है, मैं एक चार मिसरे उनके हवाले से पेश करता हूँ। और इंशाल्लाह हर एक शख्स की दुआएं मिलेगी। एक बेटा अपनी माँ से पूछता है कि अम्मी आप मुझसे कब तक मोहब्बत करोगे, तो माँ का जवाब, माँ ये कहती है कि जब तक मैं चार के कांधे पर जाऊंगी नहीं जब तक तुझसे मोहब्बत करूंगी। एक बार जोरदार तालियां बजा दे तमाम शोरों के लिए। और एक चार मिसरे पढ़ता हूँ समाप्त फरमाए, माँ के हवाले से बिल्कुल नया पेश करता हूँ समाप्त फरमाए। हालांकि तेरी जात अधूरी भी नहीं है, हालांकि तेरी जात अधूरी भी नहीं है, एक साथ सबके रहता है दूरी भी नहीं है, एक साथ सबके रहता है दूरी भी नहीं है। बीवी के लिए लाया है सोने की
अंगूठी, बीवी के लिए लाया है सोने की अंगूठी, सोने की अंगूठी, और माँ के लिए कांच की चूड़ी भी नहीं है, और माँ के लिए भाई वाह वाह, एक बार भाई तालियां होनी चाहिए वाह वाह, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मोहन भाई की मोहब्बतें मिली डॉक्टर जफर साहब, डॉक्टर जफर साहब से हमारा बहुत करीबी रिश्ता है क्योंकि हमारे मालेगांव में इनकी तालीम हुई है, मंसूरा मेडिकल में डॉक्टर जफर साहब की तालीम हुई है, मुझे आज उनसे मुलाकात हुई, बड़ी खुशी हुई। एक मतलब एक शेर और पढ़ता हूँ, उसके बाद एक गजल का एक मतलब एक शेर, उसके बाद इजाजत, मतलब पेश करता हूँ समाप्त हुआ। नहीं रे मोती से, नहीं रे मोती से और ना ही तो खजाने से, ना ताने बाने से, ना ताने बाने से, ना ताने बाने से और ना ही कारखाने से, ना ताने बाने से और ना ही कारखाने से, सुकून मिलता है, सुकून मिलता है सजदे में सर झुकाने से, सुकून झुकाने से, न ताने बाने से, न ताने बाने से, न ताने बाने से और न इकार खाने से, सुकून मिलता है, सुकून मिलता है सजदे में सर झुकाने से, सुकून मिलता है। एक शेर पढ़ता हूँ समाप्त होता है, पेश करता हूँ। न ताने बाने से वहीं पे छोड़ कर, देखो तो जा रहा है वो, वहीं पे छोड़ के, वहीं पे छोड़ के, देखो तो जा रहा है वो, वहीं पे छोड़ के, देखो तो जा रहा है वो, जिसे मैं आया था, जिसे मैं आया था लेकर यतीम खाने से, जिसे मैं आया लेकर यतीम खाने से, न ताने बाने से। अब हर फाकिर वो एक मतलब दो शेर, बहुत विकास भाव, हाँ मेरा भाई यहाँ टीपू भी बैठा है, मैं उसके हवाले से मतलब पेश करता हूँ समाप्त होना, समाप्त होना। मैं देखता हूँ कि आप शायद ये सुनना चाहते हैं, पेश करता हूँ चलता हूँ। एक हसीना से मुझको मोहब्बत हुई, बहुत अच्छा, बड़ी खराब बात है। एक हसीना से मुझको मोहब्बत हुई, सोचता हूँ कि इजहार कैसे करूँ। एक हसीना से मुझको मोहब्बत हुई, सोचता हूँ कि इजहार कैसे करूँ। ये जमाना उसे ढूंढता ही रहे, ये जमाना उसे ढूंढता ही रहे, उसको दिल में गिरफ्तार कैसे करूँ। एक हसीना से मुझको मोहब्बत हुई, सोचता हूँ कि इजहार कैसे करूँ। शेर पढ़ता हूँ समाप्त होना, एक मरतबा शरीक हो जाए। सोचता हूँ कि इजहार कैसे करूँ, मैं बोलाऊँ तो छत पर वो आती नहीं,
अपनी सूरत मुझे वो दिखाती नहीं, मैं बोलाऊं तो छत पर वो आती नहीं, अपनी सूरत मुझे वो दिखाती नहीं, कल से हैरान हो मैं परेशान हूँ, कल से हैरान हो मैं परेशान हूँ, चांदनी तेरा दीदार कैसे करूँ, एक हसीना से मुझको मोहब्बत हुई, सोचता हूँ कि